भारत में खुदरा महंगाई दर ने आम जनता की जेब खाली कर दी है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ घरेलू रसोई गैस एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने एलपीजी के दाम में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे 50 रुपया महंगा कर दिया गया है। इससे जनता की रसोई का बजट और बढ़ जाएगा और लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गैस के दामों में बढ़ोतरी को देखते हुए कहा है कि महामहंगाई भाजपा लाई। उन्होंने कहा कि अब गैस सिलेंडर पर 50 रुपया बढ़ा है। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा कि लोग कह रहे हैं कि कोई लौटा दो वो सच्चे सस्ते दिन, नहीं चाहिए मोदी के अच्छे दिन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर जबकि घरेलू रसोई गैस के दाम में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।